अध्याय 13 प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन गोली सतह से लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। पिछले अध्याय में हमने समतल सतह से परावर्तन के नियमों के बारे में जाना। हमने समतल सतह द्वारा अपवर्तन की प्रक्रिया को भी कई क्रियाकलापों द्वारा समझा। क्या गोली सतहों पर भी परावर्तन व अपवर्तन के वही नियम लागू होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हम इस अध्याय में समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम गोली दर्पणों व लेंसों के अनुप्रयोगों को भी जानेंगे। 13.1 गोलीय दर्पण। कक्षा 7 में आपने पढ़ा था कि किस प्रकार कांच के खोखले गोले की बाहरी अथवा भीतरी सतह को पॉलिश करके गोली दर्पण बनाया जा सकता है। गोले की भीतरी सतह अवतल तथा बाहरी सतह उत्तल कहलाती है। यदि अवतल सतह परावर्तक हो अर्थात भीतरी सतह परावर्तक हो तो गोली दर्पण को अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर कहा जाता है। परंतु यदि बाहरी अथवा उत्तल सतह परावर्तक हो तो ऐसे गोली दर्पण को उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। चित्र 1 गोली दर्पण का निर्माण। क्रियाकलाप 1 स्टेनलेस इस्पात की एक चमकदार करछुल लीजिए। करछुल के बाहरी पृष्ठ को अपने चेहरे के पास लाइए तथा इसमें देखिए। क्या आप इसमें अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं? आपने जैसा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखा था क्या यह प्रतिबिंब उससे भिन्न है? क्या यह प्रतिबिंब सीधा है? क्या इसका साइज वस्तु के साइज के समान है अथवा छोटा है या बड़ा है? अब करछुल के भीतरी पृष्ठ का उपयोग करके अपना प्रतिबिंब देखिए। हो सकता है इस बार आपको अपना प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा दिखाई दे। यदि आप अपने चेहरे से करछुल की दूरी बढ़ाएं तो संभव है कि आप अपना उल्टा प्रतिबिंब देख पाए। अपने चेहरे के स्थान पर आप अपने पेन अथवा पेंसिल के प्रतिबिंब की भी तुलना कर सकते हैं। करछुल का वक्र चमकदार पृष्ठ एक दर्पण की भांति कार्य करता है। गोली दर्पण वक्रित दर्पण का एक सामान्य उदाहरण है। इसी प्रकार अपने आसपास अन्य चमकदार वक्री सतहों पर बन रहे अपने प्रतिबिंब का अवलोकन करें।